जगत के इतिहास में जब भी किसी बेहतरीन जोड़ी का नाम आएगा, बेहतरीन और खूबसूरत जोड़ी का नाम आएगा, सिल्वर स्क्रीन की जबरदस्त हिट जोड़ी का नाम आएगा, तो नाम अमिताभ बच्चन और रेखा का जरूर शुमार होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज एक बार फिर से सेलिब्रिटी कॉन्ट्रोवर्शियल स्पेशल शो के साथ मैं तृप्ति लेकर आई हूँ बेहद ही स्पेशल एपिसोड। इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए चलिए आपको सबसे पहले ले चलते हैं एक बेहद ही खूबसूरत मोड़ की तरफ। जी हाँ, आज हम आपको ले चलेंगे उस मोड़ की तरफ जिसमें रेखा ने अपने ही जुबा से कबूला था ये सच। जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के रिश्ते से उन्हें कभी भी एतराज नहीं। ये बात अलग है कि ये लव ट्राइंगल कई समय तक, कई सालों तक पीट ऑन में खूब उलझने पैदा करता रहा, लेकिन रेखा अमिताभ का प्यार, अमिताभ जया का प्यार, जया और रेखा के बीच कॉन्ट्रोवर्शियल रिलेशन, वो कैट फाइट जो काफी ज्यादा मशहूर रही, इन सब के बारे में रेखा ने किस तरह से बड़े ही सम्मान के साथ, बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही जबरदस्त अंदाज में जया की तारीफ करते हुए खुलासा किया था। क्या है वो सच जो कि जया और रेखा के बीच अब तक छुपा हुआ है फैंस के साथ? आज हम आपको बताएंगे आखिर क्यों जया और रेखा एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाती, आखिर क्यों जया और रेखा एक दूसरे को पब्लिकली देखने पर एक दूसरे का सम्मान भी भरपूर करती है, कैसा है रिश्ता जया, रेखा और अमिताभ के बीच, रेखा की माने तो इसके बारे में क्या कहना है उनका, ये हम आपको बताएंगे आज के स्पेशल शो के स्पेशल एपिसोड में। फिर देर किस बात की, बढ़ते हैं उन रिपोर्ट्स की तरफ और जानते हैं रेखा जया अमिताभ से जुड़ी कुछ बेहद ही दिलचस्प बातें। बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा एक ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने हमेशा से अपना फिक्र, अपनी खुशियां हमेशा अपने चाहने वालों पर लुटाई है। लेकिन ऐसे में हम आपको ये बात जरूर बताना चाहेंगे कि एक वक्त ऐसा था जब बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन बेहद ही मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। वक्त वो था जब अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान काफी ज्यादा बीमार भी पड़ गए थे। वो वक्त था जब अमिताभ बच्चन अपने फिल्मी सफर के बीच अपनी ही तबीयत को लेकर काफी ज्यादा तकलीफ का सामना कर रहे थे। तब उनकी पत्नी जया बच्चन ने एक पत्नी होने का फर्ज तो निभाया, साथ साथ में उनके साथ फिल्मों में प्रेमिका का किरदार निभाने वाली, फिल्मों में उनकी मोहब्बत बनने वाली रेखा ने भी असल जिंदगी में उनका साथ देने के लिए उनके लिए ढेरों सारी दुआएं की थी। लेकिन बात की जाए जया बच्चन को लेकर सम्मान देने वाली रेखा की, तो ये बात शायद ही आपको मालूम हो कि रेखा जया बच्चन को दीदी भाई कहकर पुकारती थी। खुद रेखा ने एक इंटरव्यू में इस बात के बारे में खुलासा करते हुए बताया था कि दीदी भाई यानी कि जया भादुड़ी, जो बाद में अमिताभ बच्चन की पत्नी बनने के साथ जया बच्चन के रूप में जाने जाने लगी, उनके बेहद करीब थी। शायद ही आपको मालूम हो कि अमिताभ और जया जब एक दूसरे के करीब आ रहे थे तब रेखा अमिताभ बच्चन के साथ पहले से ही अफेयर के किस्सों में खूब चर्चे बटोर रही थी। फिल्म जंजीर, याद ही होगी आपको वो फिल्म जंजीर की सफलता के दौरान अमिताभ का करियर जो पीक पर चढ़ा, तब रेखा से दूरी और जया बच्चन से उनकी करीबियों का सिलसिला बढ़ता चला गया। रेखा जिस अपार्टमेंट में रहती थी उसी अपार्टमेंट में जया बच्चन उनकी अपार्टमेंट मेट थी। ये बात काफी ज्यादा हैरान करती है लोगों को, जिसके बारे में कुछ सोर्सेस के मुताबिक कहना था कि जया बच्चन ने अमित जी यानी कि अमिताभ बच्चन से जब शादी की तो अपनी ही दोस्त रेखा को उन्होंने बिल्कुल भी इनवाइट नहीं किया। ये कहा जाता है कि रेखा जया को बहुत ज्यादा मानती थी, दीदी भाई कहकर पुकारा करती थी, लेकिन जया ने रेखा को ही अपनी शादी में इनवाइट नहीं किया। इस बात के लिए रेखा उनसे खफा भी हुई थी। ये कहा जाता है कि खफा थी रेखा, लेकिन इसके बावजूद वक्त के साथ उन्होंने जया बच्चन से अपनी नाराजगी भी खत्म कर दी। लेकिन शुरुआत जिनकी मोहब्बत की कहानी सिलसिला फिल्म के साथ खत्म हुई, उससे पहले दोनों की मोहब्बत की कहानी काफी ज्यादा उलझ चुकी थी। बताना चाहेंगे हम फिल्म खून पसीना और मुकद्दर का सिकंदर।
ये जो फिल्में थी इसके जरिए रेखा अमिताभ एक दूसरे के बेहद करीब आ रहे थे। फिल्मी सफर के दौरान दोनों को मिलना जुलना हमेशा बना रहता था, लेकिन इमरजेंसी के बाद अमिताभ बच्चन पर जब पूरी तरह से रोक लगाया गया था, तब अमिताभ बच्चन ने मीडिया की तरफ से कुछ भी बात बताने से साफ इनकार किया। रेखा और जया बच्चन अमिताभ बच्चन को लेकर मीडिया की गॉसिप्स में क्वीन बनी रही। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर अमिताभ बच्चन की भी खूब ज्यादा चर्चा होने लगी। लेकिन शायद ही आपको मालूम हो कि रेखा अमिताभ बच्चन का नाम सीधे सीधे बिल्कुल नहीं लेती थी, लेकिन वो अपनी मोहब्बत की चर्चा अपने जुबा से हमेशा ही निकाला करती थी। लेकिन फिर कूली फिल्म के दौरान जब एक्सीडेंट अमिताभ बच्चन का हुआ तो मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में सभी का आना जाना शुरू हुआ। अमिताभ बच्चन जो कि शायद उस वक्त बेहोश थे और उस वक्त उनसे मिलने के लिए लगातार लोग आते थे, तकलीफ से बेहोश अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए तमाम एक्टर एक्ट्रेस पहुंचते थे, लेकिन रेखा के लिए जया बच्चन ने कभी भी आने का वो स्वीकृति नहीं दी, जो कि शायद रेखा के लिए बेहद तकलीफ भरा रहा। ये कहा जाता है कि एक सुबह रेखा छुप छुप कर अमिताभ के कमरे तक उन्हें देखने पहुंच आई थी। हालांकि वहां भी उनकी हिम्मत शायद अमिताभ से मिलकर उनके लिए दुआएं करने के लिए नहीं हुई थी। रेखा फिर से वापस लौट आई थी, लेकिन उनका फिर से फिल्मों में उस तरह आना जाना नहीं रहा जिस तरह पहले हुआ करता था। दोनों की कहानी धीरे धीरे खत्म होने लगी। धीरे धीरे खुल्लम खुल्ला दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना और खट्टी मिट्टी यादें शेयर करना बिल्कुल खत्म करते चले गए। रेखा जो कि अपने पहले पति के जाने के बाद पूरी तरह से अलग हो गई थी बाकी सभी से। दास साल 2004 में दिए गए इंटरव्यू के दौरान रेखा ने कई बातें स्वीकार की थी। मैं अमिताभ बच्चन से बहुत प्यार करती हूँ, मगर ये स्कोप नहीं था। रेखा ने ये भी कहा, देश के करोड़ों दर्शक जिस तरह उनसे प्यार करते हैं, मैं भी उनसे प्यार करती हूँ, कौन उनसे प्यार नहीं करता। लेकिन रेखा ने अपने अफेयर के सिलसिले को देश के दर्शकों के साथ, उनके चाहने वालों के साथ दबा कर रख दिया। हालांकि ये बात भी सच थी कि जया बच्चन, जिन्हें दीदी भाई मानती थी जया की वो चहेती रेखा, उन्होंने जया के खिलाफ कभी भी कोई कड़वा शब्द नहीं कहा। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट्स आज के स्पेशल शो सेलिब्रिटी कॉन्ट्रोवर्शिप, जिसमें हमने आपको बताया कि रेखा का क्या कहना है जया को लेकर। जया को अपनी बहन की तरह सम्मान देने वाली रेखा ने वाकई में सबको हैरान कर दिया। सच में सोचने वाली बात है कि एक तरफ उन्हें लेकर होम ब्रेकर तक का नाम दे दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने दिल में कभी भी जया के लिए खटास नहीं रखी। जया और अमिताभ की जोड़ी की हमेशा तारीफ करने वाली रेखा ने वाकई में सबकी सिट्टी बिट्टी गोल कर दिया अपने जबरदस्त बातों से, जो कि अपने अफेयर की अफवाहों को खंडन करते हुए सम्मान के साथ अपने रिलेशन और अमिताभ और अपने बीच की खूबसूरत रिलेशन को बयां करते हुए फिल्मी सफर को सिर्फ फिल्मी सफर और असल जिंदगी को दूरियां बताकर रेखा ने सबके बीच उन अफवाहों का खंडन किया कि अमिताभ के साथ उनका कभी भी अफेयर रहा है। फिर इसमें कोई शक नहीं कि रेखा और अमिताभ फिल्मी जोड़ी में सबसे जबरदस्त जोड़ी माने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों आज अगर एक दूसरे से दूर है तो दोनों का एक दूसरे के लिए सम्मान ही है, जो कि कभी भी अपनी निजी जिंदगी में किसी भी अफवाहों का कोई असर नहीं पड़ने देना चाहते। खैर, ये था आज का स्पेशल शो सेलिब्रिटी कॉन्ट्रोवर्सी। वक्त आ गया है आप सभी से इजाजत लेने का। फिलहाल के लिए हम करते हैं इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड, लेकिन आप सभी के पास हम फिर लौटेंगे इसी स्पेशल शो में सेलिब्रिटी कॉन्ट्रोवर्सी के एक और एपिसोड को लेकर। इसी तरह कॉन्ट्रोवर्शियल रिलेशन, कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से जुड़ी खास बातों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे आप हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।